रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के लिए बर्फबारी अब आफत बन चुकी है। जी हां, यूक्रेन के कई इलाकों में बर्फबारी के बीच रूस की सेना फंस गई है। रूस यूक्रेन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार पारा माइनस डिग्री में होता चला जा रहा है और ऐसे में अब बर्फबारी लगातार हो रही है। अब रक्षा के जो सैनिक हैं उनके सामने ये समस्या ये है कि इस बर्फ के बीच कैसे रास्ता बनाते हुए वो यूक्रेन पर अटैक करें। जंग के 10 महीनों में जद्दे पुतिन ने यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 महीनों से रूस यूक्रेन पर रोजाना 40,000 राउंड गोले दाग रहा है। आसमान से मौत बनकर आती रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जनों शहर को कब्रिस्तान जैसा बना दिया है, जबकि रूसी टैंकों ने यूक्रेन के गांव और शहरों को रौंद डाला है। वहीं जंग के 10 महीनों में तोपों, रॉकेट और मिसाइलों से मिलकर बना रूस का तोपखाना, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, उसने तो यूक्रेन का वजूद मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इतने भीषण हमले झेलने के बाद भी यूक्रेन ने रूस के सामने हार नहीं मानी है। अब यूक्रेन के जनरलों ने पुतिन की फौजों के खिलाफ सफेद भेड़िया मिशन तैयार किया है, जो यूक्रेन में रूसी फौजों के लिए सफेद यमराज साबित होने लगा है। यूक्रेन में दिसंबर और जनवरी की भीषण सर्दियां रूसी फौजों के लिए काल साबित होने लगी हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी फौज -8 डिग्री तक की ठंड में बेदम हो रही हैं। भारी तोपखाने, टैंक और फौजी गाड़ियां बुरी तरह से फंस गई हैं। बर्फ की वजह से बना कीचड़ रूस की फौजों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। यही वजह है कि हैरान और परेशान रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खराब सर्दी में यूक्रेनी लोगों पर बमबारी शुरू कर दी है। पुतिन को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी फौजें यूक्रेन के सफेद चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं। असल में यूक्रेन के जनरल दिसंबर और जनवरी की भीषण सर्दियों का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही रूसी फौजें यूक्रेन के जंगी इलाकों में भीषण ठंड में फंसेंगी, तब भी उन पर चौतरफा हमले शुरू किए जाएंगे। और इस वक्त यूक्रेन में रूसी फौजों के खिलाफ यही हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूसी फौजों पर जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 0 से -8 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी ने रूसी सैनिकों को सफेद मौत में घेर लिया है। इस वक्त रूसी फौजें प्रचंड सर्दी में खुले मैदान में हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि दिसंबर और जनवरी में औसतन तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.1 डिग्री सेल्सियस तक में रूस अपनी बढ़त और कब्जा यूक्रेन के उन इलाकों पर कैसे बनाए रख पाएगा, जिसे उनसे 10 महीनों की जंग में हासिल किया है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये जंग कौन जीतेगा? क्या रूस और यूक्रेन में पड़ रही भीषण सर्दी इस जंग का फैसला कर देगी? क्या -8 डिग्री तक की प्रचंड सर्दी यूक्रेन को जीत दिला सकती है? क्या यूक्रेन में भीषण ठंड के अगले 60 दिन पुतिन की फौजों के लिए सफेद कब्रिस्तान साबित होंगे? नवंबर और दिसंबर की सर्दी में ही रूसी फौजों की हालत यूक्रेन में खराब हो चुकी है। इन्हीं हालात को देखते हुए यूक्रेन के जनरलों को उम्मीद है कि रूस से बिना लड़े ही जंग जीती जा सकती है, यानी यूक्रेन में पड़ रही भीषण सर्दी रूस के लिए सफेद भेड़िया साबित हो रही है, जो उन्हें हर दिन हर वक्त मार रही है। लेकिन वहीं कुछ सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन और रूसी फौजों को कम आंकना यूक्रेन और उसका साथ देने वाले देशों की बहुत बड़ी भूल होगी। पुतिन को भी अंदाजा है कि सर्दियों में रूसी फौजें यूक्रेन के कई इलाकों में बुरी तरह से फंस सकती हैं। इसीलिए पुतिन ने जानबूझकर अपनी फौजों की रफ्तार और हमलों को यूक्रेन में कम कर दिया है, लेकिन खास टारगेट को ही निशाना बनाया जा रहा है।
खास तौर से रूसी मिसाइलें यूक्रेन की बिजली और गैस सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने में जुटी हैं। इसीलिए यूक्रेन के बिजली घरों और गैस सप्लाई पर लगातार रूसी मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने